हमारा श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 अध्याय का नाम है ध्यान योग, श्लोक संख्या 41। निकाल लिया सबने, मेरे पीछे बोलिए। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान शाश्वती समान शुचीनाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। ये श्लोक भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं किससे? अर्जुन से कह रहे हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। और किस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं? अर्जुन ने प्रश्न किया था श्लोक संख्या 37 में, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि किसी की श्रद्धा है योग में, किसी की श्रद्धा है लेकिन योग से उसका मन विचलित हो जाता है। श्रद्धा तो है, है? कि यह श्रेष्ठ मार्ग है, ये कल्याण का मार्ग है, उसकी श्रद्धा है लेकिन मन विचलित हो जाता है। इसका मतलब बुद्धि में श्रद्धा है और मन विचलित हो जाता है। बुद्धि में उसका निश्चय है, वो सोचता है कि सही, बुद्धि निर्णय करती है कि सही रास्ता यही है लेकिन मन विचलित होता है। योगाचलित मानसहा अप्राप्य योग संसिद्धिम, तो योगी की जो पूर्णता है वो ना प्राप्त करके काम गतिम कृष्ण गच्छति, कौन सी गति को प्राप्त करता है, उसकी क्या गति होगी? ये एक स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि कोई व्यक्ति इस संसार से छूटना चाहता है, संसार के बंधन से छूटना चाहता है, उसकी श्रद्धा है कि छूटूं संसार के बंधन से लेकिन मन जो है विचलित होता है, मन संसार के भोगों में आकर्षित होता है। तो एक स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि उसकी फिर क्या गति होगी ना, काम गति में कृष्ण गच्छति। फिर श्लोक संख्या 38 में अर्जुन कह रहे हैं कच्चे नो भय विभ्रष्ट, कहीं ऐसे तो नहीं दोनों से भ्रष्ट हो गया, वो दोनों से भ्रष्ट हो गया क्योंकि वो संसार बंधन से छूटना चाहता है फिर मन उसका विचलित है भोगों में, है तो अब उसको संसार बंधन से भी छुटकारा नहीं मिलेगा और भोगों की भी प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि श्रद्धा तो उसकी उधर है, श्रद्धा तो उसकी उधर है। तो दोनों तरफ से वो भ्रष्ट हो गया क्या? अर्जुन पूछ रहे हैं कच्चे नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम एव नश्यति, और वो छिन्न भिन्न बादल के समान नष्ट नहीं हो जाता है। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, आपके पास मोबाइल भी बंद कर दिया सब। तो छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता है, बादल देखते कभी कभी बादल का एक टुकड़ा है, है तो वो अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो फिर वो जो है छिन्न भिन्न हो जाता है, फिर वो उसका पता नहीं चलता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं आकाश में, वो फिर कहीं का नहीं रहता। तो उस योगी की स्थिति फिर कैसी होती है? कहीं ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल उसको कोई गति ही ना मिले, नष्ट हो जाए। छिन्ना भ्रम ये भी नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति, तो मुक्ति के रास्ते में वो चूंकि भ्रमित हो गया है तो उसको जो है कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा, कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, है ये अर्जुन की बहुत बड़ी चिंता है। और फिर अर्जुन 39वें श्लोक में कहते हैं एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि शेषतः, कि हे कृष्ण ये जो मेरा संशय है इसको पूरी तरह से छेदन आप कर सकते हैं,
तो प्रश्न करने का तरीका यही है कि हम किसी अधिकारी से अगर कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हमारा जो भाव है वो चुनौती देने का नहीं होना चाहिए, बल्कि जानने का होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए कि आप मेरे संशय को दूर कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये मेरा प्रश्न है आप जवाब नहीं दे सकते, क्या जवाब है, जवाब दीजिए, चुनौती देना, ये नहीं है, है ना। संशय मेरा है लेकिन आप दूर कर सकते हैं। छेतुम अर्हसि शेषतः, पूरी तरह से संशय दूर कर सकते हैं, है ना। तो धन्य संशय से छेदता ना हो देते, आपकी सेवा और कोई इस संशय को दूर करने वाला नहीं है, अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण संशय को दूर कर सकते हैं और कृष्ण की शिष्य परंपरा में जो व्यक्ति है वो भी संशय दूर कर सकता है, है ना। तो ये तीन श्लोकों में अर्जुन ने अपनी बहुत चिंता प्रकट की थी। तो श्लोक संख्या 40 में भगवान ने कहा था कि उसका ना तो उधर से विनाश होता ना इधर से विनाश होता है, भगवान ने कहा। पहली बात तो ये जो अर्जुन की चिंता थी कि वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, वो इधर का भी और उधर का दोनों जगह है, उसकी जो है गति होती है, उसका विनाश ना इधर से होता है ना उधर से होता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, उसने कल्याण अपने कल्याण के लिए जो कि कुछ कार्य किया था और श्रद्धा उसकी थी और मन विचलित हुआ है तो दुर्गति नहीं होती, दुर्गति नहीं होती ना। तो भगवान ने अर्जुन की चिंता सबसे पहले यही दूर की कि दुर्गति है ही नहीं। अब आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, प्राप्त पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, कि वो पुण्यवानों के लोक में जाता है। पुण्य करते हैं लोग स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, तो उसमें बहुत बड़े बड़े उनको जो है यज्ञ करने हैं या बड़ी कठिन तपस्याएं करनी हैं, तो बहुत परिश्रम उनको करना होता है, तब उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन वो स्वर्ग जो है उसको वैसे ही प्राप्त हो जाता है, बिना कुछ किए उसको प्राप्त हो जाता है। तो पुण्यवानों का जो लोक है, पुण्यवानों के लोक हैं, वहाँ जो है जा करके उषित्वा शाश्वती समा, वहाँ पर बहुत समय तक वो निवास करता है और फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, तो वो पवित्र घर में जन्म लेता है और धनवान के घर में जन्म लेता है, पवित्र घर में और धनवान के घर में जन्म लेता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, दुर्गति नहीं है, दुर्गति नहीं है ना, स्वर्ग की प्राप्ति करता है, है? अगर उसको जन्म मरण से नहीं छुटकारा मिला तो स्वर्ग तो मिल जाता है, स्वर्ग भी आसान थोड़ी है प्राप्त करना, और स्वर्ग से भी जब नीचे आता है तो भी बड़ी सुरक्षा है। स्वर्ग से जो लोग नीचे आते हैं तो मनुष्य योनि में आते हैं, लेकिन फिर कहाँ उनका जन्म होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म सुरक्षित है, है? कहाँ होता है जन्म, पवित्र घर में और धनवान के घर में। तो यहाँ प्रभुपाल लिखते हैं तात्पर्य में, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं, एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। तो दो प्रकार के असफल योगी, योग भ्रष्ट दो प्रकार के, एक प्रकार के हैं जो 50% से नीचे रहे, 50% से नीचे रहे और गिर गए, और दूसरे वो जो 50% से ऊपर चले गए और फिर गिर गए, मतलब 100% में तो चले जाएंगे भगवान के धाम में, 100% तो नहीं हुआ, लेकिन एक है जो 50% से ऊपर उन्होंने प्राप्त कर लिया था और फिर गिर गए, और दूसरे जो 50% से नीचे थे वो गिर गए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वो स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। तो स्वर्ग लोक किनको मिलता है, जो 50% से नीचे थे, स्वर्ग लोक, है?
जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रवेश होने दिया जाता है। बहुत पुण्य चाहिए, बड़े बड़े राजा महाराजा स्वर्ग जाते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, राजसूय यज्ञ करते हैं, कितना परिश्रम होता है, तो वो तो उसको वैसे ही मिल जाता है, फ्री टिकट, तो उसको एंट्री मिल जाती है, फ्री एंट्री वहां पर, है ना। पुण्यात्माओं को जहां प्रविष्ट होने दिया जाता है, वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद, वहां दीर्घ काल बहुत समय तक, शाश्वती सम्मा भगवान कहते हैं, बहुत समय तक वहां उसको रहने दिया जाता है, थोड़ा नहीं बहुत समय तक वहां रहता है, है? वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः श्लोक में भेज दिया जाता है, जिससे वो किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। तो वो भी अच्छे मानव समाज में अच्छा क्या होता है, या तो सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव हो, है ना, बड़ा अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है, सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के घर में जन्म ले, और या फिर धनवान व्यापारी के घर में जन्म ले, धनी व्यापारी घर में जन्म ले, तो इसमें बड़ी सुरक्षा है कि जन्म से ही जो है बच्चे होते हैं गरीब के घर में पैदा होते हैं, उनकी ठीक से देखभाल भी नहीं हो पाती है, है ना। तो बहुत से बच्चे हैं गरीबों के घर में पैदा होते हैं, सब गंदा रहता है उनका, है ना, ये बिस्तर भी गंदा रहता है, बिस्तर के कीड़े हैं वो भी काटते हैं, पसीने के कीड़े काटते हैं, है ना, ऊपर मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, कोई मतलब देखभाल नहीं, तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर क्या है, धनी व्यापारी घर में जन्म लेगा तो बहुत सफाई के साथ में उसका जो है जन्म होता है और उसकी देखभाल होती है, बहुत अच्छी देखभाल होती है बच्चे की। और सदाचारी वैष्णव ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है तो भी साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से होती है, क्योंकि बच्चा तो अपना कष्ट बता नहीं सकता किसी को। तो ये जो है दो स्थान हैं जो मनुष्य के समाज में सबसे बढ़िया होते हैं, है ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, है ये जो है दो स्थान, पवित्र घर में जन्म लेना या धनवान के घर में जन्म लेना, ये दो जो है स्थितियां हैं। थर्ड क्लास नहीं है उसको, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास मिलता है मानव समाज में, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। सर्वोच्च सिद्धि मतलब 100% अगर आप हो गए तो क्या हो गए, कृष्ण भावना भावित हो गए, पूर्ण है सर्वोच्च सिद्धि, कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि है कि आप 100% कृष्ण कॉन्शियस, तो वो तो फिर आप छूट गए, मतलब भगवान के धाम में चले जाएंगे, है ना। तो ये वास्तविक उद्देश्य है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है, अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेरांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समेत तमो मतः, कि वो मुझे युक्ततम है मान्य है। युक्ततम का मतलब 100%, युक्ततम का मतलब क्या है, जो 100% योगी है, योगियों में युक्ततम। जितने प्रकार के योगी हैं तो कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, 60%, 100% योगी कौन है, भगवान के सब प्रकार के योगियों में, मदगते न अंतरात्मा, मुझ में लगी हुई अंतरात्मा के द्वारा श्रद्धावान भजते, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। और श्रद्धा क्या है, उसकी श्रद्धा क्या है, वो एक श्लोक है ना, प्यार है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति, सर्व कर्म कृत, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत भय, है ना, ये श्रद्धा। तो श्रद्धावान भजते हो, जिसने अपना लक्ष्य बनाया है कृष्ण भावना भावित होने का, और कृष्ण भावना भावित होने से ही अपनी पूर्णता है, तो इस भावना से वो जो मेरा भजन करता है तो वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ योगी है, है ना। तो भगवान ने बताते हैं, तो यही जो है स्केल है अपना, मतलब योगी, कोई योगी बनता है तो स्केल है यही योगी का, कि भाई कितने परसेंट आप
कृष्ण भावना भावित हुए हैं। अगर आप 100% कृष्ण भावना भावित हुए हैं तो आपको कृष्ण के ही गुण दिखाई पड़ेंगे, अपने कोई गुण नहीं है, कृष्ण के ही गुण दिखाई पड़ेंगे। इस संसार में वो जो है केवल कृष्ण का ही गुण देखता है, कृष्ण ही सब शक्ति देखता है, कृष्ण की ही शक्ति, कृष्ण का नियंत्रण वो देखता है, तो वो 100% योगी है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते हैं और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, तो अगर 100% नहीं हुआ तो भौतिक प्रलोभन रहता है और वो सोचता है कि नहीं यहाँ भी कुछ सुख हो सकता है और कृष्ण को छोड़ करके यहाँ भी कुछ मुझे सुख मिल सकता है। तो 100% अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वो सोचता है कि कृष्ण को छोड़ करके इस संसार में कुछ यहाँ सुख है, यहाँ सुख है और मैं ये सुख ले लूँ, वो सुख ले लूँ, है ना। तो भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है, तो उनको जो है अनुमति दी जाती है कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर लो। तो भगवान हृदय में बैठे हैं, भगवान हृदय में बैठे हैं और जीव के साथ वे हमेशा उदारता के साथ रहते हैं कि जीव के अंदर अगर कुछ इच्छा है भौतिक संसार की, तो भगवान जो हृदय में बैठे हैं जीव के साथ, वो कहते हैं कि ट्राई कर लो। भगवान का फोर्स नहीं होता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, भगवान का फोर्स नहीं होता है। भगवान चाहते तो हैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए कि ये मेरे पास आए, लेकिन जीव के अंदर अगर विचार रहता है कि नहीं यहाँ भी कुछ सुख है, तो भगवान हृदय में बैठे हुए कहते हैं ट्राई कर लो और सब ट्राई करके देख लो, जब तुमको लगे कि हाँ अब कहीं सुख नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें गाइड करूँगा उधर जाने के लिए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। अनुमति कहाँ से मिलती है? हृदय अंदर से, भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, वही अनुमति देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमंता है वो। जीव के अंदर अगर विचार आता है कि यहाँ कुछ सुख इधर भी है, मैं सुखी हो सकता हूँ, तो अनुमति देने वाले कौन है? भगवान। ठीक है कर लो, ट्राई कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान साथ में रहते हैं और जीव को अनुमति देते हैं कि देख लो, परीक्षा कर लो कि सुख, अगर सुखी हो सकते हो तो जो है बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन जब तुम्हें पूरा अनुभव हो जाए कि सुख नहीं है, मैं कहीं सुखी नहीं हो सकता, तो फिर भगवान परमात्मा के रूप में गाइड करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं अनुमति दी जाती है, फिर तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो वो स्वर्ग जाते हैं और फिर जब आते हैं वापस, तो फिर उनको दो प्रकार का, या तो सदाचारी परिवार में या धनवान परिवार में संपन्न जीवन बिताने का अवसर दिया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावना मृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो वो जो है इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे चल करके भगवान कहेंगे कि वो पहले के जो बुद्धि संस्कार उनको अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक पर काफ़ी व्याख्या है श्री भगवान ने कहा हमें, जिसमें से कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। श्रील प्रभुपाद के एक प्रिय शिष्य जियानंद प्रभु ने दिनांक 1 मई 1970 को अपना शरीर छोड़ा था। प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा था कब? 14 नवंबर 1970। तो प्रभुपाद से पहले ही उनके शिष्य ने शरीर छोड़ा था, उनका नाम क्या था? जियानंद। 1 मई 1970 को अपना शरीर छोड़ा था। उस समय श्रील प्रभुपाद ने दिनांक 5 मई 1970 को जियानंद प्रभु के नाम से एक पत्र लिखा था। प्रभुपाद ने पत्र लिखा था उनके नाम से, जिसके शब्द इस प्रकार है, प्रिय जियानंद, कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो, मैं तुमसे अत्यंत विरह का अनुभव कर रहा हूँ। 1967 में तुम सैन फ्रांसिस्को में मेरे पास आए थे, यानी 10 साल पहले। 1970 में शरीर छोड़ा था, 1967 में तुम मेरे पास आए सैन फ्रांसिस्को में। तुम कार चलाते थे और हरे कृष्ण का जप करते थे।
मेरी भगवत गीता के प्रकाशन के लिए $5,000 का सहयोग देने वाले तुम पहले व्यक्ति थे। ज्ञानानंद ने जो है अपनी पूरी पूंजी जितनी थी $5,000 की गाड़ी चलाते थे तो प्रभुपाद को दे दी थी, है ना। क्यों दी थी? भगवत गीता का प्रकाशन करने के लिए। ये भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं इसका प्रकाशन करने के लिए। उसके पश्चात तुमने अनेक प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा की। मैं आशा करता हूं कि शरीर त्यागते समय तुम श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। तुमने जब शरीर छोड़ा तो तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, मैं आशा करता हूं, और परिणाम स्वरूप तुम्हें श्री कृष्ण का नित्य संग प्राप्त होगा। यदि नहीं, यदि तुम्हारे अंदर किसी भौतिक इच्छा का लेश रहा होगा तो तुम स्वर्ग में जाओगे और देवताओं के साथ अत्यंत ऐश्वर्यशाली जीवन यापन करोगे। वहां से तुम आध्यात्मिक जगत जा सकते हो। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि अगर तुम नहीं गए कृष्ण के धाम में, तुम्हारी कुछ इच्छा रही लेश मात्र, तो तुम स्वर्ग में जाओगे, वहां का भोग करके मनुष्य जन्म में नहीं आओगे, उसके बाद आध्यात्मिक जगत जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो श्लोक है ये उनके लिए जो 50% से नीचे थे तो वो स्वर्ग से फिर नीचे आते हैं, है ना। ये 50% से ऊपर है तो स्वर्ग भोग करके फिर वहां से आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, है ना। क्योंकि स्वर्ग में भी जो है उनकी जो साधना है वो चलती रहती है, उनका जो अभ्यास है कृष्ण भावनामृत का अभ्यास है वो चलता रहता है। तो प्रभुपाल कहते हैं वहां से तुम आध्यात्मिक जगत जा सकते हो, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक जगत जाने में विफल रहता है तो वह पुनः पृथ्वी पर किसी ब्राह्मण या धनी परिवार में जन्म लेता है, जहां से अपनी कृष्ण भावना को फिर से जागृत करने का अवसर मिलता है। किंतु चूंकि तुम श्री कृष्ण का कीर्तन सुन रहे थे, मुझे विश्वास है कि तुम सीधे श्री कृष्ण के लोक में ही गए होगे। प्रभुपाल कह रहे हैं नहीं, तुम्हारा तो जो है तुम तो कृष्ण के धाम में गए हो। श्री कृष्ण ने रोगी शरीर से तुम्हें मुक्त कर अपनी सेवा में स्थान देकर तुम पर बड़ा उपकार किया है। उनको कैंसर था, है ना, तो कैंसर में शरीर छोड़ा, तो प्रभुपाद कहते हैं तुम रोग से मुक्त हो चुके हो। जब शरीर छूट जाए तो फिर क्या रोग है, और कृष्ण ने तुम्हें अपनी सेवा में स्थान दे दिया है, तुम कृष्ण की सेवा में स्थान प्राप्त है। तो कृष्ण की सेवा में जब स्थान मिलता है तो शरीर कैसा होगा? कृष्ण के ही जैसा शरीर होगा। कृष्ण की सेवा में अगर स्थान प्राप्त होगा तो हमें शरीर कैसा मिलेगा? कृष्ण के ही जैसा शरीर मिलेगा। तो कृष्ण के शरीर में क्या है? सच्चिदानंद, ना कभी मृत्यु है, ना अज्ञान है, और ना कष्ट है। तो तुम जो है सदा के लिए रोग से मुक्त हो चुके हो। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रभुपाद ने पत्र लिखा था ज्ञानानंद को। अंत में क्या लिखा? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद के इस पत्र से भी यही बात पुष्ट होती है कि यदि कोई भक्त हरे कृष्ण आंदोलन में रहकर चार प्रकार के पाप कर्मों से बचकर हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला का जाप करता है तथा यदि उसके मन में कुछ भौतिक कामनाएं होती हैं तो वह श्री कृष्ण के लोक में ना जाकर अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए पुण्यात्माओं के लोक में जाता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि यदि कोई भक्त हरे कृष्ण आंदोलन में आकर चार प्रकार के पाप कर्मों को छोड़कर हरे कृष्ण मंत्र का माला पर जाप करना प्रारंभ कर देता है, परंतु यदि उसके मन में भौतिक कामनाएं आने से वो चार प्रकार के पापों में से किसी एक पाप में भी रत हो जाता है तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता है, तो स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर चार नियमों में से कोई भी नियम तोड़ दिया तो स्वर्ग नहीं जाएगा। यहाँ जो भगवान के स्वर्ग जाता है योग से, उसका मन विचलित हुआ है लेकिन शरीर से वो नियम का पालन कर रहा है, चार नियम तोड़ा नहीं उसने, लेकिन मन से विचलित हो गया, मन उसका विचलित हो गया, है ना। स्वर्ग का द्वार केवल उसके लिए खुलता है जो पाप कर्म ना करे। यदि भी उसके मन में भोगों की कामना है, यदि वह चार प्रकार के पापों में से किसी भी एक पाप में रत हो जाता है तो उसे सुअर अथवा कुत्ते का शरीर प्राप्त हो सकता है अथवा वृक्ष का भी शरीर प्राप्त हो सकता है। यद्यपि उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती है तथा निम्न योनि को भोगने के बाद उसे पुनः भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति संभव नहीं होती। तो यह बात भी समझना, है ना।
चैतन्य चरितामृत अंत लीला के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य की सेवा में छोटे हरिदास ने माधवी देवी नाम की एक देवी से चावल मांगे। उसके इस कार्य से श्री चैतन्य समझ गए कि उसके मन में भोगों की कामना है। ऐसी स्थिति में श्री चैतन्य नहीं चाहते थे कि वो पराई स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क करके पाप में लिप्त हो। इसके तो एक दूसरी बात ये भी थी कि छोटे हरिदास ने संन्यास लिया हुआ था, अतः यदि वह विवाह करेगा तो अत्यंत लज्जा की बात होगी। ऐसी स्थिति में श्री चैतन्य ने उससे बात करना बंद कर दिया, जिसके फलस्वरूप छोटे हरिदास ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार उसने गंधर्व का शरीर प्राप्त कर लिया। अब उसे स्वर्ग के भोग भी प्राप्त हुए और उसकी भक्ति भी चलती रही। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि योगी पाप कर्म में नहीं लगा हुआ है तथा उसके मन में भोगों की कामना है तो पुण्यवानों के लोकों में जाता है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि वृंदावन में अनेक तथाकथित साधु विरक्तों की वेशभूषा में रहकर स्त्रियों के साथ अवैध संबंध स्थापित करते हैं। ये भी समझने वाली बात है। ऐसे तथाकथित साधु कभी भी स्वर्ग लोक नहीं जाते, बल्कि वे वृंदावन में ही रहकर सुअर, कुत्ते अथवा बंदर का शरीर प्राप्त करते हैं। ये अत्यंत लज्जा की बात है कि वे वृंदावन में रहकर इस प्रकार का अपराध करते हैं। यद्यपि आगे चलकर उन्हें वृंदावन धाम में रहने का भी लाभ प्राप्त होता है, परंतु अच्छा तो यही है कि व्यक्ति अपने मन को वश में करे तथा मन की कामना को मन में ही रहने दे, पाप कर्म से बचकर रहे, ताकि उसे ऐसी लज्जाजनक स्थिति में ना रहना पड़े। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि उनके अधिकांश चार प्रकार के पाप कर्मों से बचकर रहते हैं तथा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, परंतु फिर भी उनकी भौतिक कामना अभी मिटी नहीं है, अतः वे स्वर्ग में जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा कि उनके अधिकांश के मतलब 50% से ज्यादा उनके जो शिष्य हैं कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में रहकर भी वे श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं भूलेंगे तथा वे भोगों को भोगते हुए भी भोगों में अत्यंत आसक्त नहीं होंगे। तो इस तरह से इसमें तो काफी चर्चा है। अभी कितना समय है हमारे पास इसमें घड़ी में? 10 मिनट है। एक दस्तक करेंगे ना, तो एक दस्तक हम आप लोगों के साथ विचार करेंगे। तो अभी कुछ चर्चा हुई हमारी, तो इस विषय में आप लोगों की ओर से कोई विचार या प्रश्न? आपने चार प्रकार का पाप बताया, वो चार प्रकार का पाप क्या क्या? हाँ हाँ, चार प्रकार के पाप। हम लोग जो है जो हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त हैं, तो उनको चार प्रकार के पाप कर्मों से बचने के लिए कहा जाता है, तो उसे कहते हैं चार नियम। चार नियम कहे जाते हैं, हैं कि हमें इनका पालन करना है ना। तो चार नियम कौन कौन से, कौन बताएगा? नो मीट ईटिंग, उसके अंदर मांस, अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, ये सब शामिल हैं, ठीक है? पहला नियम। दूसरा हाँ, जुआ नहीं, जुआ लॉटरी में भाग नहीं लेना। तीसरा नशा, नशा नहीं, नशा में चाय कॉफी भी आती। और चौथा हाँ, विवाह के अतिरिक्त स्त्री पुरुष संबंध नहीं। तो ये चार जो प्रकार के पाप कर्म हैं उनसे बचने के लिए कहा जाता है, ठीक है? और कोई? हाँ जी, जैसे हमें बचपन में बताया जाता था कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन यहाँ आके हमें वैकुंठ पे फोकस करना सिखाया जाता है, तो क्या वैकुंठ क्या स्वर्ग का पार्ट है या वैकुंठ अलग लोक है? वैकुंठ में और स्वर्ग में एक अंतर है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ आप पुण्य करके जाते हैं और आपके पुण्यों का जो खाता है वो जो है घटता जाता है। आप वहाँ जैसे स्वर्ग के भोग भोगते हैं तो आपका पुण्य घटता जाता है ना।
और जब पुण्य आपके क्षीण हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, आपको गिरना पड़ेगा। तो स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ आप रह नहीं सकते, आपके पुण्यों के जो है बल पर आपको जगह मिलती है, और जैसे ही आपके जो पुण्य हैं वो समाप्त होते हैं तो आपके जो है वहाँ आपका अर्निंग नहीं होता है, आप पुण्य नहीं कर सकते। किसी किसी होटल में आप रहते हैं तो उसमें आपका जो है बैलेंस घटता जाता है, पैसे का बैलेंस घटता जाता है और फिर निकाल दिया जाएगा। तो स्वर्ग जो है कोई रहने की जगह नहीं है, लेकिन जो वैकुंठ है वो अपनी रहने की जगह, वो पुण्यों से नहीं प्राप्त होता है, वो भक्ति से प्राप्त होता है। और भौतिक इच्छाएं जब हमारी दूर हो जाएं और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित हो जाए तो वो जो है फिर वो नहीं मिटता, तो वो रहने की जगह है ना। फिर स्वर्ग रहने की जगह नहीं, केवल भोगने की जगह, आपके पुण्य जो है भोगेंगे और आपको जो है निकाल दिया जाएगा, ये अंतर है। वैकुंठ और गोलोक धाम की अभी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी विषय अलग है, लेकिन अभी आप समझो कि वैकुंठ और गोलोक में कोई अंतर नहीं है। अब यही समझ लो कि ये जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है ना, क्योंकि अभी टॉपिक वो नहीं है। तो अभी आप वहाँ पर बन जाइए, वैकुंठ हो या गोलोक हो कोई भी हो, आप जाकर के वहाँ से वापस नहीं आएंगे। स्वर्ग में और उसमें ये अंतर है, ठीक है ना। हाँ जी, धनवान परिवार में जन्म लेने से फायदा क्या है? धनवान परिवार में अगर जन्म लेंगे तो बच्चे की अच्छी देखभाल होगी, बच्चे की देखभाल होगी अच्छी तरह से, और उसको साधन करने का जो है अच्छा अवसर मिलेगा। कि धनवान परिवार में अगर जन्म लेता है तो बच्चे के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि उसको काम करना है, और निर्धन परिवारों में बच्चे को, छोटे से बच्चे को भी जो है लगा दिया जाए, काम कर, चल काम कर, है ना। तो धनवान परिवार में बहुत सुविधा है। तो मुझे भी याद आता है कि मेरे पिताजी जो है अच्छे धनी व्यापारी थे, और जिस समय मेरा जन्म हुआ था और उनका बड़ा अच्छा अभ्यास भी था, कथा में और राम कथा में विशेष उनका अभ्यास था, और साधु संतों का जो है आवागमन होता रहता था, प्रवचन होते रहते थे, कीर्तन होता रहता था, घर के अंदर कीर्तन होता था, रामलीला में हमारे पिताजी जाते थे। तो मतलब धनी परिवार में भी जन्म हुआ और पवित्र परिवार में भी जन्म हुआ, तो मुझे भी जन्म ऐसा मिला। तो वो चीज़ जो है मतलब बड़ा अच्छा वो जो है अवसर होता है कि अपने जो संस्कार हैं वो विकसित होंगे उसमें, ऐसे परिवार में जन्म मिलता है। तो मतलब बड़ा एक धार्मिक वातावरण होता है, संगति ऐसी मिलती है, धार्मिक संगति मिलती है ऐसी। हाँ माता जी, ज्यादातर ये देखा जाता है कि भगवान को वही लोग ज्यादातर ढूंढते हैं या उनके बारे में पूछते हैं जिनको कम होता है जिंदगी में, कि उनको लगता है कि उनको जरूरत है भगवान की, लेकिन रियलिटी में जितने ज्यादा रिच होते हैं उनको कम जरूरत महसूस होती है भगवान की, क्योंकि उनको किसी चीज की इच्छा नहीं होती, उनको कोई चीज की कमी नहीं होती, उनको क्या जरूरत है भगवान की। पुण्यात्मा है, यही देखा जाता है। भगवान आगे 16वें श्लोक में बताएंगे, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं, इसका धन संपत्ति से और गरीबी से कोई संबंध नहीं है। चार प्रकार के पुण्यात्मा हैं जो कृष्ण का भजन करते हैं, तो उनमें जो सबसे कम पुण्यात्मा है तो उसको याद आता है कष्टों में, और कष्ट चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो सबको मिलता है, राजा को भी कष्ट मिलता है, उसके अलग कष्ट हैं और जो है गरीब के अलग कष्ट हैं, लेकिन वो अपने कष्ट जानता है। जो धनी है वो अपना कष्ट जानता है, जो निर्धन अपना कष्ट जानता है, वो गरीब है वो सोचता है कि ये सुखी है, इनको कोई कष्ट नहीं है, है ना। जो धनी है वो कभी कभी सोचता है भाई गरीब ज़्यादा सुखी है, मैं कितना कष्ट, ये सब कष्ट दुखाले, ये संसार दुखों का स्थान है। तो कष्टों में जो पुण्यात्मा है तो कष्टों में जो है उसके अंदर श्रद्धा पैदा होती है कि अगर जो है भगवान चाहें तो मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं,
ये जो विचार है उसके अंदर आता है। तो ये पुण्य आत्मा है, लेकिन जो दुष्कृति है वो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, कष्ट में भी वो जो है अपना घमंड नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जो पुण्य आत्मा है वो कष्टों में जो है झुक जाते हैं भगवान के सामने। तो ये कम पुण्यात्मा है, और ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो कष्ट में तो भगवान को याद करते ही है, और तो जिज्ञासु और जिज्ञासा भी उसको होती है, और भी जानने की भी जिज्ञासा कि जन्म का क्या रहस्य है, मृत्यु का क्या रहस्य है, ईश्वर कौन है, क्या है, तो इस आध्यात्मिक विषय में उसकी जिज्ञासा पैदा होती है, जानने की इच्छा होती है, तो और ज़्यादा पुण्यात्मा है तो कष्टों के अलावा भी उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। तो इसका कोई संबंध नहीं है कि वो अमीर है या गरीब है। और उससे भी ज़्यादा पुण्यात्मा होता है अर्थार्थी, तो वो कुछ भौतिक संसार में कोई चीज़ पाने के लिए भी वो जो है भजन करता है भगवान का, प्राप्त करने के लिए कि मुझे प्राप्त करना है, तो वो जो है अर्थार्थी ज़्यादा पुण्यात्मा है। और ज्ञानी का मतलब है कि जिसने सोच लिया कि मुझे जन्म मरण से ही छूटना है, जन्म मरण का एक मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है, आत्मा का जन्म मरण तो नहीं है, और ये जन्म मरण की एक बीमारी जो लगी है उससे मुझे छूटना है, तो और ज़्यादा पुण्यात्मा है। तो चार प्रकार के पुण्यात्मा है। तो किसी के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है तो अपनी सुकृति, अपनी सुकृति के कारण होता है उसके सुकृति। और जो दुष्कृति होते हैं तो दुष्कृति भी एक से एक आगे बढ़ करके हैं कि वे जो है शरण में नहीं आते, कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, दुष्कृति लोग हैं चार प्रकार के। तो दुष्कृति और सुकृति अपने जो है उनके कारण व्यक्ति के अंदर ये इच्छा पैदा होती है कि वो कृष्ण का भजन करे या ना करे। कष्टों में भी जो दुष्ट लोग होते हैं वो कष्टों में भी कृष्ण का भजन नहीं करते, दुष्कृति है। सुकृति है वही, वैसे एक दुआ है कबीरदास का, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, लेकिन दुख में सब लोग सुमिरन नहीं करते। ये बात जो उन्होंने कही है कबीरदास ने कि दुख में सब स्मरण करते हैं भगवान का, लेकिन ये बात सही नहीं है कि दुख में सभी लोग स्मरण करते हैं, दुखों में भी वो भगवान को दोष ही देंगे, भगवान को गाली देंगे, वो भजन नहीं करेंगे। लेकिन जो सुकृति है वो सोचता है कि मेरे से कुछ गलती हुई है और भगवान जो है अगर कृपा करेंगे तो मेरी गलती को माफ़ करेंगे और मुझे रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, तो उसके अंदर जो सुकृति है उस कारण से वो झुकता है भगवान के आगे। जैसे इंद्र है, इंद्र है तो देवता है ना, तो उसकी सुकृति है, उसके पुण्य है, तो जब उसकी पूजा बंद हो गई, कृष्ण उसकी पूजा बंद करा दी, इंद्र की पूजा बंद करा दी, ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की, तो इंद्र ने क्या किया, वर्षा की। लेकिन जब वो उसकी जो वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा हो गई और वो कुछ नहीं कर पाया, उसका जो प्रयास निष्फल हो गया, तो उसने कृष्ण की से माफ़ी मांगी। उसको जो है जो असफलता प्राप्त हुई तो झुक गया। लेकिन रावण है, दुष्कृति है, तो उसको कितनी असफलताएं मिल रही हैं, एक बात, उसके भाई मरते जा रहे हैं, उसका पुत्र मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, तो भी झुकता नहीं है, क्यों, दुष्कृति है। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन सड़कों में भी करते हैं, सड़कों में भी करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, तो ये सुनकर के भी उनके सुकृत बन जाते हैं, उनके कानों में ये शब्द जाते हैं तो उससे भी उनका सुकृत बनता है, उनके दुष्कृत दूर हो गए हैं। कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है और उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, फिर वो जाप कर रहा है तो भी उसका जो है वो पाप मिट रहा है, तो इसमें जो है पाप दूर करने की बड़ी शक्ति है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप हम सबसे कराते हैं। अब जो व्यक्ति सुकृति होता है तो वो फिर ये गीता को पढ़ता है, जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा है, तो वो पढ़ता है, सुनता है, क्लास लगाता है, तो कितने कम लोग हैं, कितने कम लोग आए हैं यहाँ के।
या तो कितने लोग हैं है? कि नहीं, कितने लोगों को पता है? सब बहुत लोगों को पता है कि यहाँ क्लास होती है, कहाँ आ रहे हैं? तो सुकृति नहीं ना, वो सुकृति नहीं है, उनके अंदर जिज्ञासा नहीं हो रही। तो ये सब जो है अपने ही जो है कर्मों के कारण व्यक्ति जो है भगवान के पास आता है या नहीं आता है, तो ये अंतर पड़ता है। ठीक है ना? और कोई, अभी हमारे पास समय है ना, कीर्तन का है? और ये पुस्तक भी है विशेष भक्ति योग जो बार बार क्या है उसमें गुरु जी का एक विशेष पुस्तक है जो रिलेट सा है, तो बहुत ही विशेष है, इसको आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको बहुत ही भक्ति विशेष है। इसमें से कोई पढ़ के सुना दो। हाँ, कीर्तन की जगह फिर ये इसी पहले इसको पढ़ते फिर बाद में। तो ये है, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं अभ्यास योग तथा माम तुम धनंजय तथा हे धनंजय, तो तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके व्यक्ति अंततः कृष्ण आसक्ति की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कुछ नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्च्य विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च्य विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि, ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन करना आवश्यक है। व्यक्ति को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद भागवतम सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके व्यक्ति निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। अब दूसरा, नारद जी ने बालक ध्रुव को अभ्यास योग की विधि बतलाई। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम अपने चित्त को श्री कृष्ण में स्थिर नहीं कर सकते हैं तो हमें अभ्यास योग की विधि का पालन करना चाहिए। भागवत के चौथे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि जिस समय बालक ध्रुव ने नारद जी के द्वारा दिए हुए अपने घर लौट जाने के सुझाव को अपने लिए अनुयुक्त बतलाया, उस समय नारद जी ने कहा, हे बालक, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने का जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है, अतः तुम्हें भक्ति के अभ्यास में पूर्णतः निमग्न हो जाना चाहिए। हे बालक, तुम यमुना के तट पर जाओ, वहां तुम नित्य 3 बार स्नान करना तथा भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। वहां पर श्री कृष्ण के अर्चन विग्रह की पूजा में फूल फल अर्पित करना, स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना, भगवान के अवतारों की दिव्य लीलाओं का चिंतन करना। इस प्रकार तुम दिव्य भक्ति का 24 घंटे अभ्यास करो तथा इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से पूरी तरह विरक्त रहो। इस प्रकार ध्रुव ने नारद जी के उपदेश के अनुसार भक्ति के अभ्यास का पालन किया। तीसरा, मन को अभ्यास के ही द्वारा स्थिर किया जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम श्री कृष्ण में अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं तो हमें अभ्यास योग का पालन करना चाहिए। भागवत 10:1-42 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, व्यक्ति यह आसानी से समझ सकता है कि मन निरंतर चलायमान रहता है,
मन को सतत अध्यास से वश में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है। किंतु इस कलयुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना, योग पद्धति में मन को सतत अभ्यास से वश में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है किंतु इस कलयुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना रहती है क्योंकि इसमें कृत्रिम विधियां प्रयुक्त होती हैं। किंतु यदि मन भक्ति योग में लगा रहे तो श्री कृष्ण की कृपा से इसे आसानी से वश में किया जा सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम। व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। व्यक्ति चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करते हुए अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर सकता है और इस तरह योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अन्यथा मन तो इंद्रिय भोग के लिए चंचल होता रहेगा और व्यक्ति को इस शरीर एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते रहना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए वरदान है। व्यक्ति को ऐसी सारी उपाधियों से कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ मुक्त होना चाहिए और इस भाव भूमि पर आना चाहिए कि श्री कृष्ण आदि स्वामी हैं और हम सभी उनके दास हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्ति योग का आंदोलन है। इस आंदोलन के नियम पर चलकर व्यक्ति भौतिक मनोरथों से विलग हो जाता है और जीव और परमेश्वर के सेवक स्वामी के नित्य संबंध वाले मूल पद पर स्थित हो जाता है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। इसमें यही बात आई ना कि कीर्तन करना चाहिए। और पहले में आया है कि जिनका पालन करना आवश्यक है व्यक्ति को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत सुनना चाहिए। तो प्रभु जी गीता के बहुत ही विशेष हैं। प्रभु जी का नियम है कि वो भगवद गीता की क्लास में भी बैठते हैं, हालांकि नए नए भक्त भी प्रवचन करते हैं तो प्रभु जी उत्साह बनाने के लिए सबों की क्लास में बैठते हैं और प्रभु जी का इतना मन रहता है कि सुनना ही। इसलिए जब हम ऐसे वैष्णव से सुनते हैं तो फिर हमारा भी जो है शुद्धिकरण होने लगता है, हमें भी वो शक्ति आती है कि भगवान का स्मरण कर सकें। तो आप लोग भी ये श्री भगवान ने कहा पुस्तक है, वर्ल्ड फेमस बुक है, इससे मतलब लोग हमारे स्कूल में भक्त लोग पूना चौपाटी बॉम्बे और भी अनेक पाकिस्तान यहाँ पे इसका प्रचार है, इस पुस्तक से जो है लेक्चर करते हैं। आप लोग भी अगर, मैंने एक तो बार पहले भी लेके आया था बुक्स तो किसी ने ली नहीं, तो ये हमारा सौभाग्य होगा अगर इसको लेंगे पढ़ेंगे। इतनी अच्छी बुक है ये इस समय की लिखी, वर्तमान समय में ऐसे लेखक जैसे प्रभु जी रियल में जब पढ़ेगा उसी को पता लगेगा, नहीं तो फिर किताब इधर है आप कहीं पे भी होंगे। तो इस समय में जो लिखी पुस्तक है सबसे अच्छी बुक है ये भगवत गीता के ऊपर, सबसे अच्छी इस समय में लिखी हुई। अभी कीर्तन करेंगे, 10 पुस्तक है यहाँ पे, तो कौन कौन लेना नहीं चाहेगा पहले अपने अपना हाथ खड़ा करेंगे। कौन ले नहीं ले देंगे 60 रुपए की बुक है सिर्फ अभी सस्ती करके। मैं करूं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा नाम संकीर्तन महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।